वाटर एटीएम में पानी के अलावा अन्य सामग्री रखने के मामले में नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने सभी वाटर एटीएम के एग्रीमेंट और दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि सड़क पर आवारा पशुओं के विचरण को लेकर भी उपाय किए जा रहे हैं। बहुत जल्द इस दिशा में पहल शुरू हो जाएगी। अभी ये सूचना हमसे कहीं से मिली है कि जो वाटर एटीएम्स हैं उसमें पानी को छोड़ के बाकी कोई सामान उसमें बिक रही हैं, तो हम लोग उसको जांच हम लोग करा रहे हैं। अगर जांच में ऐसा पाया जाता है कि उतने अन्य सामान बिक रही हैं, जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम लोग उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर एग्रीमेंट होगा कि अन्य चीज़ नहीं बेचनी है तो वो नहीं बिकेंगे, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे उसको। तो अभी क्या जाँच हुई है या फिर जाँच? हम लोग जाँच चल रही है। गाय और जो आवारा पशु हैं जैसे सांड हो गया चाहे और कुछ टाइप के, और सड़कों पर विचरण करते हैं और आम लोगों को समस्याएं होती है, इसको कैसे दूर करने का? देखिए, हम लोगों ने गाय के लिए तो व्यवस्थाएं की है, एक एजेंसी को हमने उनसे बात किया है। सांड के लिए भी बात किया था, वो लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनको रखने में थोड़ा अलग दिक्कत होती है गाय से, तो वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। वो व्यवस्था करके हम लोग को अगर सूचित करते हैं तो हम लोग उस पर कार्रवाई, उनको हम लोग ऑर्डर दे देंगे कि उनको सांड को भी पकड़ के वहाँ रखेंगे। क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से डॉग के लिए किया गया था, एजेंसी को किया गया, उस हिसाब से जल्द हाँ कर देंगे, एक महीने में कर देंगे। बता दें कि शहर में सड़क पर आवारा पशुओं के विचरण से आम लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ती है, अक्सर कई लोग दुर्घटना के भी शिकार हो गए हैं। वहीं वाटर एटीएम में भी वाटर की जगह कहीं जेरोक्स तो कहीं अन्य वस्तुओं की बिक्री की शिकायतें भी मिल रही है, जिसके बाद पूरे मामले पर नगर आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है।